भी गाड़ियाँ होती हैं, मेंटेनेंस भी होती रहती है हमारे मेरे पास जो गाड़ी जिन्हें टोटा करोला चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये यारों से अगर आप लोगों को चाहिए तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टोटा करोला का प्राइस जो है ना वो जी दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खरीद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भाई भी ठीक ठाक है। और आज का वीडियो नहीं भाई आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टोयोटा करोला का, टोयोटा करोला गाड़ी फॉर सेल करने वाला हूँ। गाड़ी पहले देखते हैं गाड़ी का कंडीशन कैसा है। और भाई लोग अगर गाड़ी का बात करते हैं तो गाड़ी कुछ इस तरह से नजर आने वाला है। टोयोटा करोला का मॉडल है 2003 का, एकदम परफेक्ट गाड़ी है। और टायर भी इसके फ्रंट वाले जो है ना वो नए हैं। और बाकी अगर गाड़ी की बात करते हैं कंडीशन की तो बहुत ही ज़बरदस्त है, व्हाइट कलर के अंदर है, नॉर्मल व्हाइट कलर है इसका। और गाड़ी जो है ये अमेरिकन नहीं है, ये खलीजी गाड़ी, क्योंकि नई बे के पास ज़्यादातर गाड़ियाँ होती हैं ना वो होती हैं अमेरिकन इंपोर्टेड, लेकिन ये वाला जो गाड़ी है ना ये खलीजी गाड़ी है, 2003 का मॉडल है। गाड़ी अगर बैक साइड से देखते हैं तो गाड़ी कैसा नज़र आएगा, बैक साइड से अगर गाड़ी की बात करते हैं तो बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से हमें नज़र आने वाला है, एकदम भाई परफेक्ट कंडीशन में है, एक्सीडेंट फ्री है और साफ़ सुथरा गाड़ी है। और अंदर से अगर गाड़ी की बात करते हैं तो अंदर से जो गाड़ी है वो हमें ऐसा नज़र आने वाला है, इंटीरियर जो है ना अंदर से गाड़ी का बहुत नीट क्लीन पड़ा हुआ है। और ये है इसका स्विच बोर्ड, स्टीयरिंग वगैरह एवरीथिंग जो है ना वो भाई परफेक्ट कंडीशन में है, एकदम मस्त गाड़ी यार। और ऊपर से टोयोटा करोला का ऑटोमेटिक गियर इंस्टॉल है इसके अंदर, और अगर इसके डोर की मैं बात करते वो मैनुअल है। बाकी जो है ना गाड़ी एकदम बढ़िया, इंजन और गियर और चेसी का गारंटी मिलेगा आप लोगों को नई भाई की तरफ से। इसका इंजन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंजन की कंडीशन क्या है। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर, इंजन देखते हैं क्या होगा। और भाई लोग अगर इंजन की बात करते हैं तो इंजन का कंडीशन ऐसा नजर आने वाला एकदम परफेक्ट है। और ये चार सिलेंडर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4, ये चार सिलेंडर है। और गाड़ी जो है वो 1.6 के अंदर है, एकदम जो है ना बढ़िया है, नया बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, बाकी एकदम परफेक्ट कंडीशन है यार, ज़बरदस्त है। तो जो है ना स्पेशली गारंटी मिलेगा इंजन गियर और चेसिस का नई बाइक की तरफ से। भाई लोग कौन सा गाड़ी आप लोग नई बाइक से खरीदते हो, आप लोगों को गारंटी मिलती है, एक भरोसा मिलता है कि गाड़ी जो है ना परफेक्ट है। क्योंकि हम लोग तो गैरेज वाले हैं तो हम लोग ऐसा गाड़ी आप लोगों को हरगिज़ भी नहीं देंगे कि जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। बाकी गाड़ी वैसे ही है तो साफ़ सुथरा एकदम जो है ना वो नीट क्लीन है, कुछ काम नहीं, कुछ मेंटेनेंस नहीं है, यू जस्ट बाय एंड ड्राइव वाला गाड़ी है। इसमें जो है ना क्या बोलते हैं एक दिरहम का जो काम है ना वो भी आप लोगों को करवाना नहीं पड़ेगा, एकदम परफेक्ट है। ये चलती हुई है, इसका अभी मुल्किया वायलेट है लेकिन मुल्किया नहीं बनाएंगे, एक दोस्त है तो वो सेल करना चाह रहे हैं इसके। ये यहाँ पर देखें यार जी, इसके विंडो वगैरह ना वो परफेक्ट कंडीशन में पड़े हुए हैं। अंदर से अगर गाड़ी की बात करते हैं तो अंदर से गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। और ये गाड़ी कितना चला हुआ है, ओनली 2 लाख चला हुआ है, ज़्यादा जो गाड़ी है ना, चाबी मेरे पास अभी नहीं है, नहीं मैं आप लोगों को दिखाता, 2 लाख चला हुआ है। शायद मैं फ़ोटो एड कर दूँगा यहाँ का जो मैंने खींचा है पहले, तो ये 2 लाख चला हुआ है इतना, यानी कि यूज़ नहीं हुआ हुआ है। गाड़ी जो है वो ज़बरदस्त है, इसका जो हाँ चाबी मिल गया, टेप वगैरह म्यूज़िक सिस्टम पूरा लगा हुआ है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना ये यूज़ भी पाकिस्तानी कर रहा था, तो आप लोगों को मालूम है पाकिस्तानी जो है ना वो खास करके करोला को बहुत लव करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2,15,000 चला हुआ, 16,000 ओनली, ज़बरदस्त लग रहा है यार। बाकी ये गाड़ी मैंने खुद भी ड्राइव किया हुआ है, गाड़ी एकदम जो है ना मस्त है, ज़बरदस्त है, आप लोग ले सकते हो। मिलेगी अजमान में, अजमान सनाइया में नहीं भी रहता है तो अजमान में ही ये गाड़ी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वैसे मेरे पास और भी गाड़ियां होती हैं लेकिन जो टोयोटा के या करोला वगैरह के लवर है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2005 का मॉडल भी आया था, सेल हो गया, 7 का भी आया, 6 का भी आया। ये टोयोटा करोला जो है ना ये जल्दी जल्दी सेल हो जाता है। अभी देखो ये गाड़ी किस भाई के नसीब में होगा। तो अभी जो है ना गर्मी बहुत है, मैं काम कर रहा हूँ, वैसे तो गाड़ियाँ मेरे पास अमेरिकन इंपोर्टेड भी आती रहती हैं, वो भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये वाला जो गाड़ी है ये तो टोयोटा करोला है भाई, तो आप लोग किस मुझसे ले सकते हैं। गाड़ी की कंडीशन है और भाई कलर वगैरह जो है बॉडी वगैरह सब कुछ नीट क्लीन, ओरिजिनल पेंट इसका पड़ा हुआ है, इसका पीस जो है ना वो रीपेंटेड गाड़ी नहीं है, एकदम जो है ना वो एक मस्त गाड़ी है, साफ़ सुथरा गाड़ी है। और अलॉय रिम भी लगे हुए हैं यार, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, यहाँ पर देखें इसके अंदर अलॉय रिम लगे हुए हैं और गाड़ी जो है ना मस्त है। जिस भाई को चाहिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने बता दिया कि मेरा जो है ना वो फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। बाकी और भी गाड़ियाँ होती हैं, मेंटेनेंस भी होती रहती है हमारे मेरे पास जो गाड़ियाँ थी ना, तो यहाँ पे देखें आप लोग देख सकते हो गाड़ियों का जो रश लगा हुआ है, जो मेंटेनेंस के लिए आई हुई हैं इनका जो रिपेयरिंग है वो चल रहा है और तैयार हो रही हैं। वैसे अमेरिकन इंपोर्टेड, रात को
कौन सा गाड़ी है वो टोयोटा यारस 2018 का मॉडल है, वो थोड़ा दिखा दूँ इस वीडियो के अंदर, बाकी उसका डिटेल के साथ वीडियो बताऊँगा। इस गाड़ी का अगर जो प्राइस है ना वो मैं आप लोगों को फ़ोन कॉल के ऊपर बताऊँगा, आप लोग मुझे फ़ोन करें, करोला का प्राइस मैं आपको कॉल के ऊपर बताऊँगा। ऐसे नहीं, यहाँ पे जो गाड़ी हम लोगों ने ख़रीदा ना ये वाला अमेरिकन इंपोर्टेड टोयोटा यारस 2018 का मॉडल है और साफ सुथरा गाड़ी है, ओरिजिनल पेंटेड है और अंदर से ये ऐसा नज़र आने वाला है। इसका जस्ट एक एयरबैग ये वाला पॉपअप हुआ है, बाकी गाड़ी जो है ना अंदर बाहर से मस्त है गाड़ी। हाँ, अमेरिका की स्मेल ना गाड़ी के अंदर से वो आ रही है, क्योंकि अमेरिकन गाड़ी कितनी उनकी जो डिस वो डिफरेंट होती है। ये गाड़ी हम लोग बना के इसको शैम्पू वगैरह करके फिर सेल कर, क्योंकि इन गाड़ियों की जो स्मेल है ना वो अच्छी नहीं होती। यहाँ देखिए ये फ्रंट से जस्ट हिट है, बॉनट इसका चेंज होगा, बम्पर चेंज कर देंगे और फेंडर ये वाला चेंज हो जाएगा इसका। बाकी गाड़ी जो है ना ज़बरदस्त है यार, माशाल्लाह। अभी इसको तैयार करेंगे, उसके बाद इसका जो प्राइस मैं आप लोगों को पर अब यहाँ पे अंदर ये गाड़ी रीपेंट हो रही है, क्योंकि हम लोग गाड़ी को टोटल मेंटेनेंस करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग। तो नईम भाई जो है ना वो पेंटर है, नईम पेंटर, इसलिए आप लोग देखते हो कि गाड़ियाँ डेंटिंग पेंटिंग होती रहती हैं। तो बाकी आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। टोयोटा करोला चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये यारों से अगर आप लोगों को चाहिए तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टोयोटा करोला का प्राइस जो है ना वो मैं ऐसे नहीं बताऊँगा, आप लोग मुझे कॉल करें, कॉल के ऊपर बताऊँगा, नंबर फर्स्ट कमेंट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, डू टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। I don't ever slow up, no I don't take shit.